मणिपुर एक साल से जल रहा है, महिलाओं और वहां के लोगों को तंग और तबाह करके घर बर्बाद किए जा रहे। एक दिन तो जाकर आप आए, मणिपुर को जाके आए, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया, आप क्यों नहीं पहुंचे? इतना बोलने वाले व्यक्ति गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में हमदर्दी है दिखाने वाले, मैं पूछता हूं साहब, मणिपुर एक साल से जल रहा है, किस तरह महिलाओं और वहां के लोगों को तंग और तबाह करके घर बर्बाद किए जा रहे। एक दिन तो जाकर आप आए, मणिपुर को जाके आए, आप तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया, आप क्यों नहीं पहुंचे? और सबका साथ सबका विकास, आपने सिर्फ कुछ लोगों का साथ दिया और कुछ का विकास किया, गरीबों का सब सत्यानाश किया। इस सभी नारों का क्या हकीकत है ये देश अच्छी तरह जान रहा है। और सर सभापति जी, 224 का चुनाव आम जनता के शब्दों में अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था, अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था। पिछली सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए, किसानों को जीभ से रोंदने वाले मंत्री को हम हटाने की मांग कर रहे थे, जनता ने ही उसे रोंद दिया और खत्म हो गया। और एक शायर ने कहा है, कभी घमंड मत करना, कौन से कभी घमंड मत करना, नाम नाम, कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड, और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी, घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका, और आज आपको वो नारा नहीं लगाना पड़ेगा 400 पार का, अब तो 200 पार में है।